हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अलीदर है। मेरा नाम अकार है। मेरा नाम यार आमर है। ये बागवान मूवी है, अभी तक चल रही है। और इसमें जो है ना, आलोक भाई हमारे सल्लू भाई ने यार आकर जो है ना दिल जीत लिया। जिस तरह उसने उसको जो है था गाड़ियों वाला दलाल, उसको भी मतलब लाफा लगाया और अपने माँ बाप की जो रिस्पेक्ट की है ना, दिल जीत लिया यार आलोक भाई हमारे सल्लू भाई जान ने। यार सगे बेटों ने इतना कुछ नहीं किया जितना ये हमारे सल्लू भाई कर रहे हैं। अनाथ होकर यार इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं कि वो क्या करते हैं, क्योंकि गाड़ी मिली है तो लॉन्ग ड्राइव का सपना है वो। अभी देखते हैं बापू जी क्या करते हैं। प्ले करते हैं भाई। राजू भैया, अरे ये लोग यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे राजू भैया, दार भैया। अरे कितना महीना से तुहार राह देखत रहे, ई और हम हूँ। हाँ, ये लोग पहचान गए हमका। अरे हम जानत रहे, राजा दशरथ अपना वनवास काट के यहाँ ही आए हैं। जा अंदर जाके अपना घर में देख लो, तुहार घर तुहार यादें सब सहेज के रखे हैं हम। अच्छा अच्छा, ये देखो कौन आवा है। अरे भौजाई कैसा हो? भगवान की कृपा है भाई साहब। चलो जी पहचाना, आलोक। आलोक आई लव यू। अरे आलोक, अरे मगर तू तो विलायत में रह रहा बचवा। हाँ अभी यहाँ है, अब बहुत बड़ा आदमी हो गए। अरे बेटा पहुंचो। अर्पिता अर्पिता, जीती रहो बौरानी। भौजी तुम तनिक सुस्ता लो, हम चाय बनाई के लावत जी। आओ बेटवा, तुमका तुहार ससुराल दिखावत है। आओ आओ आलोक। पता है सबसे अच्छी बात क्या है चाचा जी? ना आप बदले, ना ये घर, ना इस घर का माहौल। तू भी कहां बदला है बचवा, बस तेरी ऊंचाई तनिक बढ़ गई। तनिक। आखिर हम घर आ ही गए। आ तो गए हैं, लेकिन ये घर चलेगा कैसे? क्यों आपको हम पर भरोसा है? खुद से ज्यादा हमसे प्यार है। तुमसे ज्यादा? बस फिर चिंता की क्या बात है, आप हमारे साथ हैं तो हम जग जीत सकते हैं। आ, गृह प्रवेश करें। ए मोटा भाई। हाँ? हेमंत भाई। नमस्ते शांति भाई। अरे पूजा, हेमंत भाई यही थे हमारे तन्हाई के साथी। नमस्ते। आज हमको पता चला कि मोटा भाई आपके बगैर इतने दुखी क्यों हैं। अरे हमने तो इनको देखकर ही पहचान लिया कि यही भाभी जी हैं। बागबान में मोटा भाई ने इनकी खूबसूरती का इतनी बार जिक्र किया है कि ये बागबान की बात आपको? अच्छा अच्छा, तो हम आप ही के यहाँ छोड़ आए थे। तो अच्छा हुआ ना भूल आए, लंदन के न्यू वेव पब्लिकेशन हाउस ने उसे छापने का नक्की किया। मोटा भाई क्या बात कर रहे हैं? अरे ये देखो एडवांस का चेक, 10 लाख रुपए का चेक है। 10 लाख? 10 लाख? हाँ 10 लाख पूजा, 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख। अरे जे 10 लाख का सुर कैसा है भैया? अरे राव उतार भैया, हमारी किताब छप रही है। क्या कह रहे हैं? ये देखो, ये न्यूज पढ़ी आप लोगों ने? डैड की बुक इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ट सेलर एक्लेम कर ली गई है। डैड लाखों में खेल रहा है, लाखों में। सो व्हाट करें, हमें तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, और वो सब हमारे बड़े भाइयों की वजह से। क्यों भाई, हम लोगों ने उनके साथ कौन सी बदतमीजी की है? कुछ तो किया होगा आप लोगों ने, तभी तो हमारे यहाँ आने के बजाय घर चले गए वो। अरे बाबा, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। शी इज राइट, ये वक्त तो रूठों को मनाने का है। Yes, हमें पापा के पास जाना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए। कोई फायदा नहीं, रूठे को मना। वो लोग नहीं मानने वाले। अरे क्यों नहीं मानेंगे, आखिर हम उनके बच्चे हैं, और कोई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकते। ज्यादा हुआ तो माफी मांग लेंगे और क्या। हाँ हाँ, हम उनके पाँव पड़ जाएंगे, उनके सामने नाक रगड़ेंगे, फिर देखना वो कैसे पिघलते हैं। बिल्कुल ठीक, अब हमें जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। अरे पायल बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, दादा दादी से मिलने जाना। राहुल यू टू कम ऑन कम ऑन फास्ट, गेट रेडी, लेट्स गो। आप लोग गंदे हो, आप लोग उनसे माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि पैसे मांगने के लिए जा रहे हो। राहुल हम लोग पहले ही उन्हें बहुत रोता हुआ देख चुके हैं, अब और नहीं देखना चाहते। हम लोग नहीं जाएंगे, चलो राहुल। ये ग्रीन शर्ट वाला है पायल का पिता, ये बड़ा आ रहा है। रुला दिया ना बेचारे। देख रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा,
अपने खिलाए बाग का जादू। अरे कहाँ वर्मा साहब, ये सब तो इन बच्चों की और आपकी बदौलत हुआ है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा मुझे। रिस्पांस? अजी फर्स्ट एडिशन हाथों हाथ बिक चुका है, दूसरा प्रेस में है। ये लीजिए अपनी अमानत। ये, अरे लेते जाइए साहब, ये बागवान अभी न जाने और कितने गुल खिलाएगा। अरे हाँ, नेक्स्ट वीक आपके सम्मान में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप तो आइएगा ही, हम परिवार को भी लेके आइएगा। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बागवान किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। इसके ऑथर का बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जाना अपने आप में बागवान की सफलता की कहानी कहता है। इससे पहले कि मैं मिस्टर राज मल्होत्रा से बागबान पर रोशनी डालने की रिक्वेस्ट करूं, मैं चाहूंगा कि उनका बेटा अपने पिता के बारे में कुछ कहे, और इसीलिए मैं स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं भैया, ऑल द बेस्ट मिस्टर आलोक राज से। आलोक जी। yes. गुड इवनिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान को किसने देखा है, ये तो एक फेथ, श्रद्धा और अकीदे की बात है, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने भगवान को देखा है जीते जागते, हंसते बोलते, हर खुशी हर गम में, हर इम्तिहान हर हाल में देखा है, और वो कोई और नहीं, मेरे बाबूजी हैं। मैं एक अनाथ था, मैंने कभी अपने मां बाप को नहीं देखा और ना ही कभी मुझे उनका प्यार मिला, लेकिन मैं यकीन के साथ ही कह सकता हूं कि अगर वो भी यहां पे होते तो वो भी मुझे इतना प्यार, इतनी मोहब्बत नहीं दे सकते थे जो कि मुझे अपने बाबूजी से मिली है। मुझे मेरे बाबूजी से बहुत कुछ मिला है, मैं उनसे कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन मैं भगवान से एक चीज जरूर मांग सकता हूं कि वो अपनी दुनिया में मेरे बाबूजी जैसे लोग हमेशा बनाते रहे। बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाबूजी आइए ना। देवियों और सजनों, आपने मेरे बारे में अभी जो कुछ भी सुना उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। आलोक मेरी तारीफ इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं बहुत एक अच्छा इंसान हूं या मुझ में कई गुण हैं, वो प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान है। देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं, लेखक तो सोच के सागर में डूब कर ना जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे लिखा है। बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। यह किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। यह किताब है
झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी मगर अब परसों से खामोशी। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। हमारी उम्र के लोग याद करें कैसे बेकार के रिश्तों और बंधनों में उलझे रहते थे हम लोग। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था।